दिल्ली में मैं गया था बिजनेस जॉइन करने फादर का होता है ना कि वो किक नहीं मिल रही थी वहाँ से अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो या आप स्टूडेंट भी हो तो मेरे अकॉर्डिंग टू फुल टाइम जंप नहीं करना चाहिए तो मार्केट में आपको लर्निंग प्रोसेस में तो हार्ड वर्क करना ठीक है बट ट्रेडिंग में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है अगर आपका ये प्रेशर ही नहीं रहेगा तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इन mm रो -hmm. इतने लॉसेज हो गए तो भी मैं ब्रेक लूँगा इतने प्रॉफिट्स हो गए तो भी ब्रेक लूँगा हमें जब कोई ट्रेड लिया है तो हमने एक स्टोरी प्ले कर दी है हमने एक हीरो वहाँ पर प्लेस कर दिया है

बट आई न्यू के मैंने साइकोलॉजी पे ही बुक लिखनी है बिकॉज एंड ऑफ द डे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो आजकल की जनरेशन है वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है उनको है कि कहीं से थोड़ा शॉर्टकट्स हो जाए या क्विक मनी हो जाए बट साइकोलॉजी रियली रियली इंपॉर्टेंट है एंड इस बुक के अंदर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी अपनी ब्रीफ जर्नी के बाद फिर एक ट्रेडर को कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं कौन से ट्रेडिंग के बायसेस होते हैं जो ओवरकम करने होते हैं एंड उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे फुल टाइम ट्रेडर्स जो हैं सम आर फ्रॉम इंडिया सम आर फ्रॉम यूएस उनके इंटरव्यूज भी विश में इंक्लूड करे हुए इसी बुक के अंदर नाइस nice. सो यू नो अगर स्पोर्ट्स हो या ट्रेडिंग हो मैंने कई बार देखा है जो लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं वो बोलते हैं कि यू you नो know, आपका एक रूटीन होना चाहिए जैसे मॉर्निंग रूटीन right, आप right, सुबह right, उठ के क्या कर रहे हो एंड आई फील ट्रेडिंग में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है right. मैंने आपके ब्लॉग्स पढ़े हैं उसमें आपने बहुत अच्छी चीज़ मैंशन की कि ना कि मॉर्निंग रूटीन बट एक ईवनिंग रूटीन right. भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है right. तो आप आपके मॉर्निंग एंड ईवनिंग रूटीन के बारे में बताएंगे हर कोई जैसे मॉर्निंग रूटीन को बहुत फोकस करता है अगर आप यूट्यूब में देखोगे मॉर्निंग रूटीन्स की वीडियोस भरी हुई है बट मॉर्निंग की सबसे पहले यही है अगर आपने अर्ली उठना है तो इवनिंग रूटीन जब तक तो आपकी सेट नहीं है मॉर्निंग पे नहीं उठ पाओगे एंड मॉर्निंग रूटीन के लिए सबको लगता है जल्दी उठना है यानी कि जल्दी सोना बहुत बेसिक आंसर लोग दे देते हैं बट ये इतना ईजी नहीं है तो इसलिए आपको इवनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है जैसे मैं पहले नहीं था मॉर्निंग पर्सन बट नाव फ्रॉम लास्ट फिफ्टीन ईयर्स मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ एंड मॉर्निंग उठ के जैसे हमें जैसे नाम सुन करना होता है मेडिटेशन करनी होती है तो थैंकफुली हमारे रिलीजन में ऑलरेडी है yeah. तो वो चीज़ इंकलकेट शुरू से हो गई तो इवनिंग रूटीन के लिए देखो सबसे पहले तो मैं ट्राई करता हूँ कि सेवन पी के बाद जितना कम हो सके गैजेट्स यूज़ ना करूँ जीरो नहीं हो पाया <laughs> मोबाइल हम नहीं छोड़ सकते सेवन के बाद भी वो थोड़ा बहुत रहता है बट जितना कम हो सके एटलीस्ट मार्केट्स का कुछ स्कैनिंग वगैरह उस टाइम के बाद नहीं होती एंड उसके बाद फिर है कि मेन आपका जो डिनर है वो सनसेट से अगर पहले हो जाए जो कि काफ़ी रिलीजन् में उसके इंपॉर्टेंस बताते हुए है तो वो एक्चुअल में यही है अगर सनसेट थोड़ा डिनर थोड़ा लाइट हो एंड आपका सनसेट से पहले अगर डिनर कंप्लीट हो जाए तो आपको एक तो जो स्लीप है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और आपका स्लीप का कोटा काफ़ी कम हो जाता है तो काफ़ी बार ये होता है कि अगर मैं अलेवन अलेवन थर्टी ट्वेल्व भी सो रहा हूँ फिर भी सुबह फोर फोर तक आराम से उठ जाता हूँ तो वो स्लीप कोटा काफ़ी कम हो गया बिकॉज य मॉर्निंग रूटीन ये जैसे आप कहते हैं ना वाइंड अप करने के लिए धीरे धीरे सारा क्लोज करने के लिए तो इवनिंग से ही बहुत जरूरी है तभी मॉर्निंग में फ्रेश हो पाओगे जल्दी उठ पाओगे आप तो यही चीज़ आपकी फिर ट्रेडिंग में भी हेल्प करती है क्योंकि जब आप एक सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो एंड बोरिंग रूटीन फॉलो कर रहे हो तो ट्रेडिंग में भी आप यही देखोगे जिनकी रूटीन बहुत बोरिंग होती है ना जिनका प्रोसेस बहुत बोरिंग है सिर्फ वो ही अच्छी ट्रेडिंग कर पाते हैं जो रोज़ कोई न्यू कोई सेटअप ढूंढ रहे हैं रोज़ कोई न्यू, न्यू स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं फिर वो सारा टाइम उस स्पेशल सर्कल में फंसे रह जाते हैं पर जो एक ही फिक्स सेटअप को एक ही फिक्स स्ट्रेटजी को

एंड उसमें संजीव बख्शी सर रामदेव सर ये सब आ रहे थे तो मुझे एकदम लास्ट में पता चला लकीली आए एकदम मुझे एकदम ही पता चला लकीली आई गॉट द पासज ऑल्सो फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड वहाँ पर जब गए तो रामदेव सर की जो एनर्जी जो है ना वो लिटरली मतलब उस टाइम भी उनकी एज सिक्सटी प्लस ही रही होगी जब मैं मिला था एंड इतनी एनर्जी उसी दिन वो सुबह फ़्लाइट से आए एंड उनकी फ़्लाइट लेट थी वो बता रहे थे बाद में उसके बाद भी फुल ऑफ एनर्जी हम जैसे सारे आके खड़े होकर उनसे बातें कर रहे हैं सबके आंसर्स इतने हम्बली वो सबको आंसर्स कर रहे थे एंड अंदर तो उनका जो सेशन था वो तो अमेजिंग था ही सेशन के बाद जब वो बाहर खड़े हुए थे बाई चांस मैं उस टाइम बाहर गया हुआ था पानी वगैरह पीने तो उस टाइम वो बाई चांस अकेले खड़े हुए थे तो मैं आई जस्ट जस्ट टू वर्ड एंड जाके मैंने सामने बात करना स्टार्ट करी तो बड़े आराम से उन्होंने सारी बात सुनी बड़े प्यार से अपना एक्सपीरियंस शेयर करा एंड फिर साथ में बाद में और लोग भी आ गए तो अराउंड थर्टी फोर्टी मिनट्स आराम से उनके साथ पहले मैं अकेला खड़ा रहा बाद में फिर और लोग भी आए एंड वो बड़े मतलब इतने हम्बल ना मैंने शायद ही किसी को देखा होगा इतना कुछ अचीव करने के बाद भी बड़े उन्होंने मार्केट्स की बातें करी फिर अपने जो गांव हैं उनकी बातें करी पर तो सबका जो भी जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे वो तो मार्केट के आंसर कर ही रहे थे वो रूटीन में हम्बल कैसे रहना है वो सब के आंसर्स भी कर रहे थे अब जैसे एक गर्ल आई थी वो उसने कहा था कि भाई मुझे रीडिंग की भी हैबिट करनी है डालनी है बट है नहीं है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दिखाया उस टाइम कहीं देखो मैं अप डाउन कर रहा हूँ मुंबई से तो कोई मेरे पास वोटकेस नहीं है बट बुक मैं लेके आया हूँ तो वो बुक हमेशा अपने साथ रखते हैं एंड उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप फिक्शन से स्टार्ट करो एटलीस्ट रीडिंग की हैबिट बन जाएगी फिर अपने आप अपने आप, आप जौन सी बुक्स आपको पसंद है वो अपने आप वहाँ पे पहुंच जाओगे बट एटलीस्ट वो वोली हैबिट आप स्टार्ट करो एंड उनके साथ जब मैंने ऐसे बात करी कि ऐसे करके मैं ट्रेडिंग करता हूँ एंड मतलब टेक्निकल्स पर फोकस करता हूँ उन्होंने कहा कि टेक्निकल्स पर फोकस ठीक है बट लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो स्ट्रॉस के लिए थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स को भी इंक्लूड करो उस टाइम तक तो मैं बिल्कुल नहीं करता था अभी भी कम करता हूँ बेसिक लेवल पे करता हूँ बट एटलीस्ट उनको मिलने के बाद मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया शुरुआत कैसे हुई ट्रेडिंग की राइट तो स्टार्टिंग में जैसे प्लस टू के बाद मुझे, how, मुझे समझ आ गया था कि मैंने ये कन्वेंशनल जो कॉलेज एंड डिग्रीज है उसमें नहीं जाना वो मैंने फॉर द नेम से कर लिया कॉरस्पाउेंस में मैंने बी बी एम बी ए दोनों कर ली बट वो सिर्फ नेम्स से लिए करी मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ड्राइंग एंड उस तरफ था थोड़ा तो प्लस टू के बाद मैंने फिर डिप्लोमास किया एनिमेशन के okay. तो फर्स्ट आई एडेड चंडीगढ़ में एनिमेशन किया टू ईयर्स का देन आई वेंट ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर बैचलर ऑफ गेम डिज़ाइन की तो ब्रिस्बिन में जाके कर वहाँ पर गेम डिज़ाइन की डिग्री थ्री ईयर्स की थी, थी बट वहाँ पर सिक्स मंथ्स में सेवन मंथ्स में समझ आ गया कि यहाँ की लाइफ स्टाइल मुझे नहीं सूट कर रही है एंड बाय चांस उस टाइम पे स्टॉप uh, लॉस का कंसेप्ट मुझे नहीं पता था उस टाइम पे बट मैंने स्टॉप लॉस लेके वापस इंडिया आ गया जल्दी सिक्स मंथ्स में मुझे थ्री इयर्स वहाँ पे समझ आ गया था कि मैंने यहाँ पे पूरी लाइफ नहीं रहना है बट जो गेम डिज़ाइन एनिमेशन एंड फिर वापस आके मैंने टू ईयर्स का वी का एक और कोर्स किया तो मुझे वो ना कंप्यूटर की लाइफ एंड वो टेक पार्ट वो मुझे गैजेट्स वो बहुत ज़्यादा पसंद आते थे यहाँ पे आके जब वापस आया फिर एनिमेशन का वी का कोर्स किया उसके बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में चले गया वो क्लॉक का बिज़नेस है तो मेरे एल्डर ब्रदर्स अभी भी वहीं पर ही हैं तो वो रिटेल के शोरूम्स में हैं एंड वहाँ पे मैंने रिटेल के काम में तीन चार साल मैं अपने शोरूम से बैठा बट होता है ना कि वो केक नहीं मिल रही थी वहाँ से रिटेल बिजनेस था सब कुछ ठीक था हमारे शोरूम्स वहाँ पे हैं तीन शोरूम्स हैं बट वो मुझे केक थोड़ा सा कुछ टेक्की पार्ट में कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड वही करना था एंड देन उसके बाद फिर रिटेल में मुझे नई जॉइमेंट आ रही थी उसके बाद फिर मेरे फादर डेली शिफ्ट हो चुके थे फॉर इम्पोर्ट बिज़नेस तो मैं डेली में शिफ्ट हो गया डेली में मैं गया था बिजनेस ज्वाइन करने फादर का बट वहाँ पे आफ्टर टू इयर्स मुझे कोई कज़न मिले कज़न क्या कि कोई फ्रेंड थे वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते थे तो उनके थ्रू मुझे हल्का हल्का पता चला कि ट्रेडिंग क्या होती है फिर ऐसा डो आप ट्रेडिंग करते हो बट और क्या करते हो तो ही वॉज लाइक ट्रेडिंग ही मेरी ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग ही करते हैं फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है कि ट्रेडिंग फुल टाइम हो सकती है क्योंकि उससे पहले जो भी किया था कहीं से कुछ पूछ लिया थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लिया कहीं से कोई टिप मिल गई कर लिया पर प्रॉपरली नहीं किया था स्टूडेंट से मिलने के बाद फिर फिर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए मुंबई जाके दिल्ली में नोएडा में थ्री डेज के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं रेजिडेंशियल वो जाके अटेंड करे दिल्ली में सीपी में में बाग में बहुत कॉन्फ्रेंस अटेंड किए फिर बहुत सारी बुक्स रीड करी यूट्यूब की आई गई सारी वीडियोज उस टाइम पर जितनी थी सारी देख ली बैठ के तो उसके बाद फिर वो मज़ा आना शुरू हो गया क्योंकि मुझे जो वो एक वो पीसी सिस्टम मल्टीपल स्क्रीन का सेटअप वो सारा जो मुझे एनिमेशन में चाहिए था वो दोबारा मुझे वो सारा इको मिल गया, गया। नॉर्मल रिटेल बिजनेस से क्लॉथ के बिजनेस से मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया एंड स्टार्टिंग में फिर एंड जब एनिमेशन में एक पार्ट और अच्छी थी तो वो मैंने वही देखा था कि ना हर कोई डॉट्स जो है कनेक्ट हो जाते हैं आगे जाके तो एनिमेशन में अब हमारी क्लास रोज़ की सिर्फ टू आवर्स की क्लास होती थी आफ्टरनून में क्लास होती थी बट मैं सुबह दस बजे अपने पहुँच जाता था इंस्टीट्यूट एंड आठ बज तक जब तक पी भैया निकाल था तब तक वहीं बैठता था तो पूरा दिन वहाँ पे प्रैक्टिस करना एंड बीच में दो घंटे क्लास तो वो सिस्टम के आगे पूरे पूरे दिन बैठने की इतनी अच्छी वो हैबिट होगी थी कि एंड जब यहाँ पे ट्रेडिंग में आया तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो लर्निंग फेज था उसमें रोज़ के बैठ के तीन तीन सौ चार सौ चार्ट देखने रोज़ के इतने चार्ट देखने वो इतने चार्ट्स देख देख के तो आईज आपके लिए ट्रेंड होती रहती है अब आप कोई जब चार्ट ओपन करोगे तो आपको बिना मूविंग एवरेज लगाए आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे टू होगी यहाँ पे ट्वेंटी मूविंग एवरेज होगी तो वो उतनी प्रैक्टिस करने का वो बहुत बेनिफिट हो गया कि पहले के जो मेरी लाइन जो चल रही थी वो यहाँ पे आके कनेक्ट होगी यहाँ पे तो वहाँ से फिर मुझे ट्रेडिंग से आके फिर एंड 2015 में इनफैक्ट मैं फुल टाइम जंप कर गया था एंड मैं ये सबको कहता हूँ कि मैंने बहुत जल्दी जंप कर दिया था एंड इन फैक्ट अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो या आप स्टूडेंट भी हो तो मेरे अकॉर्डिंग टू फुल टाइम जंप नहीं करना चाहिए yeah. आप अपनी जॉब करते हुए साथ, साथ में ट्रेडिंग करोगे तो आपके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे एक तो आपको ट्रेडिंग से पूरा का पूरा फोकस नहीं करना कि आपको यहीं से अपनी लाइवलीहुड निकालनी है यहीं से आपको अपने कहते हैं ना हर मंथ के खर्चे यहीं से निकालने हैं अगर आपका ये प्रेशर ही नहीं रहेगा तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप कुछ भी अपनी जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो पोजिशनल कर सकते हो उसके लिए आप इवनिंग में थोड़ी बहुत स्टडी करो एंड वीकेंड्स में स्टडी करो तो सफिशेंट होती है सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न स्विंग ट्रेडिंग वीव रिकॉर्डेड अ डिटेल्ड कोर्स विद हरनीत ऑन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वेर इन ही स्टीचिंग यू टू ऑफ हज मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटजीज सो चेकआउट द कोर्स इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो यू नो आप कोई भी एक न्यू ट्रेडर हैं मार्केट में सो यू एडवाइज़ दैम कि यू नो स्टार्ट विथ सिंपल स्ट्रैटेजीज डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड तो आपने जब फुल टाइम मूव किया टू थाउजेंड फिफ्टीन में यू नो इन टू ट्रेडिंग सो आपका सेटअप कैसे था वॉट आर द स्ट्रैटेजीज यू फॉलोड सेटअप uh, मेरा ऑलमोस्ट जो अभी कर रहा हूँ वही था इनफैक्ट स्टार्ट मैंने जब किया था तो बहुत अच्छा सेटअप था बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम एंड ट्रेलिंग के लिए मूविंग एवरेजेस एंड साथ में एक बेसिक इंडिकेटर जैसे सुपर ट्रेंड हो गया एंड हैकेशिक कैंडल्स हो गया बेसिक्स जो बिल्कुल है वहाँ से स्टार्ट किया था बट जब मार्केट में आ गया फिर होता है ना हम हमें आदत होती है कि यार इतना ईजी नहीं हो सकता कुछ तो इसमें ऐड करना चाहिए यह हमें लगता है कि यार हम शायद ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे बिकॉज स्टार्टिंग में सिंस आर चाइल्डहुड हमें समझाया जाता है कि हार्ड वर्क करो ज़्यादा हार्ड वर्क करो तभी तो रिज़ल्ट आएंगे तो मार्केट में आपको लर्निंग प्रोसेस में तो हार्ड वर्क करना ठीक है बट ट्रेडिंग में आपको हार्ड वर्क नहीं करना है उसमें आप जितना ईजी रहोगे जितना कम ट्रेड करोगे उतना सही आपके रिजल्ट आते हैं बट मुझे था कि नहीं यार ये स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है कुछ तो इसमें और डालना चाहिए थोड़े कम्पलेक्स और कुछ सीखना चाहिए तो मैंने इनफैक्ट अपनी स्ट्रेटजी बाद में कम्पलेक्स कर दी एंड उसमें मेरे रिटर्न्स बहुत कम हो गए थे Okay. तो वही चीज़ अब मैं सबको एडवाइस करता हूँ क्योंकि मैंने देखे ना क्योंकि स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है अब तो थैंकफुली थैंक्स यूट्यूब एंड ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कि सबको बहुत नॉलेज है बस स्टार्टिंग में सबको होता था कि यार किसी के पास होली ग्रेल है ट्रेडिंग की हमें कुछ और सीखना चाहिए थोड़े और लोगों से मिलना चाहिए कुछ ना कुछ वो हमेशा ढूंढते रहते हैं एंड एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटी जंप करते रहते हैं तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अपने सेटअप को वो एंड फिर उसके रिजल्ट नहीं आते तो अभी भी बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम अगर कोई ये भी फॉलो करता है ना बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन वो भी सफिशेंट है तो क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में देखा था कि जब सिंपल थी मेरी स्ट्रैटेजी तब कितने से रिजल्ट आ रहे थे जब मैंने उसको खुद ही ओवर कम्प्लीट कर दिया रिज़ल्ट कम हो गए एंड सोशल मीडिया में अराउंड पिछले मैं छः सात साल से एक्टिव हूँ तो सबकी सब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं सबका यही हाल है जितनी इजी जिनकी स्ट्रेटजी होती है ना क्योंकि देखो मेन पार्ट एस वी डिस्कस रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी है हुँ. तो एटलीस्ट ट्रेडिंग वाले एग्जीक्यूशन पार्ट को बिल्कुल सिंपल रख लो हुँ. ताकि आपको बार बार वहाँ पे फोकस ना करो एंड यहाँ पे मेनली फोकस हमने अपने आप पे करना है हुँ. अब लोग पूछते हैं कि आपकी ट्रेडिंग की बेस्ट बुक्स कौन सी है तो ट्रेडिंग की बुक्स तो ठीक है बट टेक्निकल की बुक्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रीड करी हुई मुझे मेन होता कि स्पिरिचुअल बुक्स रीड करो सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करो सारे आंसर्स उसके अंदर हैं हमारी रिलीजन के जो ग्रंथ है हमारी जो बुक्स है सारे आंसर उसके अंदर है वो ही आपको ट्रेडिंग में आके लिंक होती है you mentioned strategies. तो व्हाट इज प्राइस एक्शन राइट प्राइस को ही फॉलो कर रहे हो जो आपकी कैंडल्स बन रही है चाहे वो सिंगल डे है वीकली है मंथली है तो आप जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है कहाँ पर वो ओपन लो हाई क्लोज है कम्बाइंड विद अगर आप बेसिकली वॉल्यूम ऐड कर दोगे उसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम है तो वो प्राइस एक्शन वो होता है कि आप और कुछ उसमें इंडिकेटर्स नहीं ऐड कर रहे सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो एंड इंडिकेटर्स भी जो आपके हैं वो ड्राइव प्राइस से ही है hmm. तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो कोई आप इंडिकेटर्स को ऐड कर रहे हो तो प्राइस से आए इसलिए जो बिल्कुल बेसिक प्राइस सेक्शन है उसको फॉलो करके आप ये इंडिकेटर्स भी अगर आप देखोगे अगर मूविंग hmm. एवरेज हो गया तो वो भी मैथमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस तो बिल्कुल बेसिक प्राइसेशन ही फॉलो करो वो ज्यादा अच्छा रहता है हमेशा सो बेसिकली अंडरलाइन तो प्राइस है बट डोंट ऐड अ लेयर टू इट या वी कैन यू कैन ऐड अ लेयर जस्ट फॉर द कंफर्मेशन बट बेसिक जो आपकी वो है सारा क्रक्स है वो प्राइस ही आ जाता है सो यू नो अ ट्रेडर का यूजुअल जर्नी इन द मार्केट्स रहता है इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट करते एंड देन दे यू नो मूव टू एफएनओ ट्रेडिंग मोस्टली ऑप्शन सेलिंग तो व्हाट व्हाट मेड यू स्टिक टू इक्विटी ट्रेडिंग लाइक इज योर सीक्रेट सॉस ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया तो ट्राई सारा कुछ किया बट स्टार्ट इक्विटी कैश ट्रेडिंग से की थी उसके बाद उसमें रिजल्ट्स भी ठीक थे बट वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अर्ज आती है कि नहीं यार जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसको थोड़ा मैग्नीफाई करना है तो एफ एन ओ भी ट्राई करो तो एफ ओ भी ट्राई किया तो इनफैक्ट जब एफ एन ओ ट्राई किया तो रिटर्न्स फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी बहुत इफेक्ट गई थी तो अब सारा कुछ अभी भी मेरा जो एट्टी एटी फाइव परसेंट फोकस है वो इक्विटी कैश ट्रेडिंग पे ही रहता है ऑप्शन मैं करता हूँ बहुत कम करता हूँ मेरा वो उसमें फोकस है ही नहीं मेरा मेन फोकस रहता रहता है इक्विटी पे ही बिकॉज ये नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया ट्राई सब कुछ किया है बिकॉज मुझे था कि अगर कोई भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स है ट्रेडिंग के वो सारे एक बार ही ट्राई करने चाहिए एंड काफ़ी लोगों को ऑप्शन ही सूट करते हैं काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स है ऑप्शन ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है तो एक कोट है कि हाउ यू डू एनी थिंग इज़ हाउ यू डू एवरी थिंग तो अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में थोड़े से आप पेशेंस वाले थोड़े काम हो तो आपको सेम ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा अगर आप थोड़े से अग्रेसिव हो थोड़े से करेजियस हो तो आप थोड़ी रिस्की ट्रेडिंग भी थोड़ी कर सकते हो yeah. थोड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो मैंने ओवरऑल देखा था कि यार मैंने अपनी जो रिटेल के शोरूम पे मैंने नहीं बैठना था मुझे एक रूटीन पूरे दिन की नहीं चाहिए थी मुझे था कि मैं अपने बाकी लाइफ के एक्सपर्ट्स पे जैसे कि वेल्थ हेल्थ पे इन सब पे फोकस करूँ तो मुझे वही था कि मैंने इसको ऐसा जॉब नहीं लेना नहीं। मैंने जॉब भी मैंने पहले ट्राई की थी जब एनिमेशन में मैंने मैं आई वॉज अ टीचर तो बैक देन जब किसी ने उस टाइम पर फोटोशॉप का नाम भी नहीं सुना था अब तो सारे फोटोशॉप फोटोशॉप करते हैं उस टाइम पे आई वॉज अ टीचर ऑफ़ फोटोशॉप एंड थ्री डेज मैक्सीयर्स होते हैं उस टाइम में उसका टीचर था तो वो जॉब भी मैंने टू मंथ्स में मैंने लीव कर दी थी तो मुझे था कि मुझे ये एक रूटीन जॉब वाली लाइफ और फिक्स लगातार सिस्टम करके बैठना ये इतना ज़्यादा नहीं पसंद ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन पार्ट तो उस टाइम पे मुझे था कि नहीं करना तो पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मेन बेनिफिट ये कि मुझे इस पर अब जब मैं इस फेज़ ऑफ लाइफ में हूँ मैंने अब पूरा पूरा दिन नहीं बैठा सिस्टम के आगे मेरे एक सिस्टम्स ऐसे हैं जो मुझे अगर थोड़े क्लोजिंग बेसिंग स्टॉप लॉस पे मैं इजीली रह सकता हूँ एंड वो मुझे रिटर्न्स दे रहे हैं बड़े पीसफुली रिटर्न्स दे रहे हैं तो मुझे वो ज़्यादा सूट करता है आपको हो सकता है कि वो सूट ना करे आपको हो सकता है ऑप्शनस ही सूट करें तो मैंने ऑप्शन अपना रखा हुआ है अभी पर वो जो उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो का चंद है वो बहुत छोटा है मेजरली सारा मेरा स्विंग पोजिशन के अंदर ही है तो ट्राई मैंने किया था बट येस yes, मैंने देख लिया कि मुझे मेजरली क्या सूट कर रहा है तो आई वुड एडवाइस कि आपने भी अगर किसी ने ट्राई करना है तो एक बार इसको सब कुछ ट्राई करना चाहिए बट जो आपको आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग जो सूट कर रहा है आपको उसी पर स्टिक रहना चाहिए एक बार ही ट्राई सारा कुछ करो तो इसके अंदर जैसे जब अब काफ़ी जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं मुझे डीएम करते हैं कि सर ने स्टार्ट करना है एंड का, काफ़ी लोग ना ये सोचते हैं कि हमारे पास लिमिटेशन है कि अभी ना हमारी कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है हुँ. तो मैंने स्टार्ट करना है मैंने फुल टाइम बनना है पर कैपिटल ही बहुत ज़्यादा नहीं है वो सोचते हैं कि ये उनकी लिमिटेशन है बट मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं है ज़्यादा बिकॉज स्टार्टिंग में आप लर्निंग फेज़ में हो आप हिट एंड ट्रायल फ़ेज़ में हो हुँ. जितनी कैपिटल होगी आप सारी ख़त्म कर दोगे तो जितनी छोटी कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हो उतनी इनफैक्ट अच्छी बात है बिकॉज आपने ट्यूशन फीस तो मार्केट को देनी देनी है हुँ. वो फिक्स है तो छोटी ट्यूशन फीस दो कम ट्यूशन hmm. फीस दो एंड उससे आप सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है एंड साथ में पॉडकास्ट देखो एंड जो अगर कोर्सेज है वो देख के बुक्स रीड करके अब दूसरों की जो मिस्टेक्स है उससे पहले ही सीख लो फिर भी आप कहीं ना कहीं वो खुद करोगे बट एट लीस्ट आपकी मिस्टेक्स की जो क्वांटिटी है जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ी कम हो जाएगा सो आई एम क्यूरियस एज अ फॉलो अप क्वेश्चन आपने मेंशन किया कि इक्विटी कर रहे थे देन एफएनओ करने लगे तो योर प्रॉफिट्स गेटिंग इंपैक्टेड तो व्हाट डू यू थिंक आर द मिस्टेक्स दैट यू मेड इन एफएनओ ट्रेडिंग सो दैट यू नो आर लिस्नर्स न्यू टू ट्रेडिंग एंड वांट टू गेट इनटू एफएनओ ट्रेडिंग दे कैन अवॉइड मिस्टेक्स राइट सी जो बेसिक मिस्टेक्स है अगर आप स्टॉक मार्केट देखो तो यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स yeah. ओवर ट्रेडिंग है उसमें सबसे पहली चीज एंड जो एक और पॉइंट है ना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है हमें एफएनओ एन ओ से hmm. ठीक है एफ नो एक बहुत अच्छी एक स्ट्रीम है वो आप कर सकते हो बट एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं हम खुद बना लेते हैं कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया से या नॉर्मल मीडिया से हमें ऐसे लगता है कि कैश ट्रेडिंग बहुत स्लो प्रोसेस है वह एफ नो से बहुत क्विकली कर लेंगे एफनो okay. बहुत अच्छा है बट अगर आपकी किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो आपको पता है उसका रिजल्ट क्या होता है तो एक तो रिवेंज ट्रेडिंग में जब आ गया था बिकॉज एफ नो में ओवर ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर दी मैंने स्टार्टिंग में क्योंकि स्टार्टिंग में अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप कैश ट्रेडिंग देख रहे हो अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा तो हायर टाइम फ्रेम आप देख रहे हो आप डेली वीकली चार्ज देख रहे हो एफ एन ओ पे आके मैंने एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आ गया उसके बाद जब लॉसेस हुए फिर रिवेंज ट्रेडिंग फिर वो विशेष सर्कल फिर हो गया कि अब इसको रिकवर करना है तो वो सारे सर्कल में फंस गया एंड उससे निकलने के बाद होता क्या है ना आप नॉर्मल अगर कैश ट्रेडिंग ले रहे हो तो आपको उसमें पता है एटलीस्ट कि आपका रिस्क जो है टोटल कितना है एफन के अंदर अगर आप स्टार्ट अगर आप स्ट्रैटीज बना रहे हो तो तो ठीक है स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको नहीं पता होता स्ट्रेटजीज वो सिंपली ऑप्शन बाइंग कर रहा होता है काफ़ी लोग ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट कर देते हैं एंड विदाउट एनी हैजिंग तो उसमें काफ़ी बारी काफ़ी बड़े लॉस हो जाते हैं फिर उसको निकलने के लिए एडवांस ट्रेडिंग के फेस में जो एक बार आप ट्रेडर फंस जाता है ना फिर उसको निकलते निकलते वो अपना काफ़ी लॉस कर देता है एंड जब भी आपका कोई डाउन फेस चल रहा हो ना तो आई विल ऑलवेज से कि दे आर ना टू टाइप्स ऑफ कैपिटल फर्स्ट इज इमोशनल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल फाइनेंशियल पे तो हम फोकस करते रहते हैं कि यार लॉस हो गया लॉस हो गया बट आपका खुद का उस टाइम पे मोटिवेशन कितना डाउन हो रहा है आपको ओवरऑल स्ट्रेस कितना ज़्यादा हो रहा है बिकॉज yeah. आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपने अपनी हार्ड एंड सेविंग्स यहाँ पे yeah. आके स्टार्ट करी है ट्रेडिंग करनी या फिर आप अपनी जॉब क्विट करके ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आपने हो सकता है काफ़ी लोग ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और काफ़ी लोग बोरो करके उस फंड से ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उस फंड्स के साथ उससे आप ट्रेड कर रहे हो एंड वो लॉस होगा तो फिर आप रिवेंज में एंगर में उस सब में फंसी जाओगे तो ट्रेडिंग के लिए एक तो स्टार्टिंग में कम कैपिटल से स्टार्ट करो वो अच्छी बात है एंड अगर वो कैपिटल आपको थोड़े नेक्स्ट टू थ्री ईयर्स के लिए नहीं चाहिए उस कैपिटल से करोगे तो और अच्छी ट्रेडिंग हो जाएगी क्योंकि एंड ऑफ द गेम अगेन सारी गेम साइकोलॉजी की ही है यहाँ पे यू नो अ गुड ट्रेडर

तो अगर एक ऑलरेडी आप एक बार जंप कर चुके हो ट्रेड में एंड आप उस टाइम पे प्लान करोगे तो कुछ ठीक नहीं होगा जब भी आपने ट्रेड लेना है उससे पहले आपका एग्जिट कहाँ पे होना है वो फिक्स होना चाहिए बट यस yes, आपके प्रॉफिट कहाँ बुक करना है मेरे अकॉर्डिंग मेरी स्टडी अकॉर्डिंग वो फिक्स नहीं होना चाहिए आपको स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए बट वो कहाँ तक जा सकता है वो आपको भी नहीं पता एंड उसको आपको ट्रेल करना चाहिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही मैं लेता हूँ टू बुक द प्रॉफिट्स एंड नॉर्मल स्टॉप लॉस के लिए मैं बेसिकली देखो एक तो डेली चार्ट ई एम ए फॉलो करता हूँ ट्वेंटी ई एम ए ये एक बेसिक ट्वेंटी ई एम ए डेली चार्ट फॉलो करके एंड एक आशी सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटी होती है उसके थ्रू होता है एंड एक आर एस ए की स्ट्रैटी है ये वाले बेसिक्स है डिटेल भी, भी मैंने पूरा अपसर्च में एक्सप्लेन करा हुआ है तो ये मेन फोकस यही है एक तो ई एम ए क्योंकि मैं ट्वेंटी ई एम ए बार बार मैं सोशल मीडिया पर भी सबको बताता रहता हूँ क्योंकि ना ये बहुत ईजी टू फॉलो है अगर आपको मैं बताऊंगा कि ये ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग करो तो ट्रेंड लाइन ना थोड़ी सब्जेक्टिव है काफी डिफरेंट ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन डिफरेंटली बना सकते हैं बट एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड जो मूविंग एवरेज आ रही है वो सबके लिए सेम है वहां पे आके आप ट्वेंटी एम से फॉलो कर सकते हो फिर एक होता है स्विंग लो का जो स्ट्रेटजी होती है तो बेसिकली जो आपके ब्रेकआउट आ रहा है जो अगर सिंपल और हॉर्जोंटल लाइन ब्रेकआउट देख रहे हो तो उस ब्रेकआउट के जो नीचे स्विंग लो आपका है वो टेक्निकली चार्ट वाइज आपको ज्यादा ईजी समझ आ जाएगी बहुबली समझ नहीं आएगा बट जो आपका बेसिकली स्विंग लो जो है वो स्विंग लो के नीचे आपका जो स्टॉप लॉस वहाँ पे आप रख सकते हो एंड बेसिकली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि आप डेली चार्ट्स के नीचे मत जाओ आप एडवांस लेवल पे आके देखो बिकॉज आप जब ड्राइविंग करना सीख रहे हो तो आप पहले फर्स्ट गयर से सीखोगे फिर सेकंड से तो जितने बड़े टाइम फ्रेम्स हैं उतने में आपको लर्निंग जो आपका फेज है वो थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज बाद में फिर जब इंटरटेन में आओगे आप फाइव मिनट चार्ट्स में आओगे फिफ्टीन मिनट्स में आओगे तो आपके डिसीजन आपको बहुत क्विक लेने तो उससे पहले आप फिफ्थ गेयर में पहले ही कार में ड्राइव करो पहले ही धीरे धीरे स्टार्ट करना करो एंड डेली चार्ट से नीचे स्टार्टिंग वाले फेज में ना जाओ एटलीस्ट डेली चार्ट फॉलो करो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस रखो काफ़ी बार या फॉलो येगा यार डेली चार्ट में आपके स्टॉप लॉस काफ़ी बिग हो सकते हैं वो ठीक है बट बहुत बारी आपको फेक स्टॉप लॉसेज जो होते हैं फेक हिट होते हैं उससे भी बच जाते हो एंड अगर आपका एक स्विंग लो का स्टॉप लॉस ले रहे हो आपका ठीक है आपका स्टॉप लॉस लेवल बिग है बट हम वहाँ पे हम एक परसेंट दो परसेंट की मूव ले नहीं बैठे हमें नेक्स्ट फिफ्टी परसेंट एट्टी परसेंट की मूव चाहिए तो इसलिए थोड़ा स्टॉप लॉस हमारे बड़े होते हैं बट यस फिर आगे रिटर्न भी अच्छी होती है सो यू नो एक न्यू ट्रेडर के लिए वॉट विल बी योर एडवाइस बिकॉज ऑफ टाइम्स

आप अपने खुद के लिए जर्नल बना सकते हो कि अगर मुझे इन रो इतने लॉसेज हो गए तो भी मैं ब्रेक लूंगा इतने प्रॉफिट हो गए तो भी ब्रेक लूंगा लॉसेज में तो लोग फिर भी चलो एक समझ आता है कि लॉस हो रहे हैं अब कैपिटल भी कम हो रही है वो फाइनेंशियली आपको दिख रहा है तो आप ब्रेक ले लोगे बट प्रॉफिट में कोई ब्रेक नहीं लेता है उस टाइम भी ब्रेक लेना चाहिए बिकॉज अगर लॉसेज में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन आ गया नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेंज आपकी प्रॉफिट की जो एक स्ट्रीक चल रही है उसमें आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो ना कि उस टाइम तो आपकी जो कैपिटल जो आप पोजिशन साइजिंग है ना वो अब एकदम से बढ़ा लोगे बिकॉज आपको था यार अब पोजिशन ठीक है मेरी प्रॉफिट्स आ, आ रहे हैं रेगुलर आ रहे हैं बट मैं इतने छोटे प्रॉफिट्स को ले रहा हूँ अगर मैं दस लॉट से कर रहा हूँ चलो बीस से कर देता हूँ दो से कर रहा हूँ चार लॉट से कर देता हूँ तो एकदम से आप अपनी पोजिशन साइज को इतनी जंप कर देते हो तो दोनों में एक ब्रेक लेना डिवेंस ट्रेडिंग पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल है एंड ये ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते स्टार्टिंग में मैं भी नहीं कर पाता था बिकॉज आप न्यू हो आप ट्रेडर हो आपको एक न्यू लाइन अच्छी आ रही है एंड प्लस एक प्रॉब्लम जहाँ पे फंस जाते हैं ना कि जब सब सबसे फर्स्ट आपका ट्रेड होता है या फर्स्ट टू ट्रेड्स होते हैं उसमें अब आपके विनिंग के चांसेस फिफ्टी परसेंट है ही है किसी भी ट्रेड में आपके विनिंग के चांस फिफ्टी परसेंट तो है एंड बिगनेस लक होता है उसमें आपका ज़्यादातर फर्स्ट ट्रेड जो होता है वो प्रॉफिटेबल ही होता है एंड जब आप न्यूली किसी लाइन में आए हो आप ट्रेडिंग में आए हो वहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिट हो गया एंड हर किसी को अपनी जॉब से थोड़ी प्रॉब्लम होती है कोई भी वो पहले जो कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है तभी वो ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप आए हो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो जाए तो कॉन्फिडेंस तो फिर वो यू नो ओवर द रूफ होता है तो इसलिए हमेशा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ आएगी ये चीज़ बट धीरे धीरे आपको भी टाइम समझ आएगी कि भाई ब्रेक लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कोई स्टार्टिंग में ऐसे होता है ना एक फेज़ आता है अब जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो रेड कर पाएंगे कि हमें ना वीकेंड्स भी पसंद नहीं आते हमें होता है यार और कभी लॉन्ग वीकेंड आ जाए तो तो मूड ऑफ हो जाता है कि यार कब मार्केट खुलेगी हमें ट्रेड करना है तो वो फेज जो होता है अगर तो आप प्लान करके कर रहे हो पे तो ठीक है पर जो इनिशियल ट्रेडर्स होते हैं वो प्लान करके नहीं कर रहे होते उनको एक टाइप ऑफ एडिक्शन में आ जाते हैं उन्हें होता है कि बस मार्केट ओपन हो हमने जल्दी ट्रेड करना है फ्राइडे इवनिंग में ऑफिस वालों को जॉब वालों हैप्पी होते हैं उन सबको खुशी हो रही होती है कि चलो वीकेंड है ट्रेडर्स को उस टाइम पर उदास हो रहे होते हैं कि यार दो छुट्टियाँ आ गई हम ट्रेड कब करेंगे

सी तो देखो ये ग्रीड फियर मैं सोच रहा था कि ये चीज़ हम ट्रेडिंग में तो बात करते हैं बट ये ट्रेडिंग में नहीं आई ये तो हमारे अंदर ऑलरेडी है yeah. अब लाइक माय डॉटर इज़ टू इयर्स ओल्ड तो उसको अगर मैं दो चॉकलेट्स के सामने रखूंगा एक चॉकलेट छोटी एक बड़ी है तो वो कौन सी पकड़ेगी yeah. बड़ी वाली पकड़ेगी yeah. अब उसके अंदर भी ये ग्रीड अपने आप है स्टार्टिंग से ही है हमने तो नहीं कहा कि yeah. बड़ी वाली चॉकलेट ही आपको पकड़नी है उसका हाथ अपने आप बड़ी वाली भी जाएगा एंड फियर भी है बिकॉज़ अगर कहीं से गिरी है उसे वहाँ से पेन भी है तो उसको फिर अगली बारी फियर भी होगा कि यार दोबारा यहाँ से बच के चलना है नहीं गिरना तो ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी है तो फियर एंड ग्रीड को हम कभी भी हम सेटिसफाइड नहीं कर सकते ये तो हमारे अंदर रहेगा एंड बहुत लोग कहते हैं कि यार आप लेस होकर ट्रेडिंग करो वो ठीक है हम ट्राई कर सकते हैं कि लिटरली अगर आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी करनी है तो आप देखो कि जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं वो बहुत काम बहुत पीसफुल होते हैं वो कभी भी बहुत एक्साइटमेंट में नहीं बात कर रहे होते उनकी टोन बड़ी नॉर्मल होती है और ये चीज़ फिर वही काम आती है बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इमोशनल ऐसा होकर ट्रेडिंग करो वो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए यही होता है कि आप आपको पता है कि आपको ग्रीड एंड फेयर नहीं निकाल सकते अपने अंदर से तो एटलीस्ट सिस्टम्स बनाओ सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम कि आपका स्टॉप लॉस एंट्री से पहले फिक्स हो कि यार ये मेरी एंट्री है ये मेरा स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा तो मैं फ़िक्स मैं वहाँ पे निकलूंगा ही मैंने दोबारा सोचना नहीं है hmm. काफ़ी बारी हम स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस पे अपनी प्रॉ इंक्रीज कर रहे होते कपेशन साइज बट हमें स्टॉप लॉस में निकलना ही निकलना है एंड सेकेंड आपको एक बनाना है कि मेरे दिन के कितने फिक्स ट्रेड्स मैंने लेने हैं एक बार ही वो ट्रेड्स हो जाए फिर उसके बाद आपने उस दिन के लिए ट्रेडिंग को किल कर देना है एंड उसके बाद आपको अगर ये दोनों भी फॉलो नहीं होता तो एक अमाउंट बना लो कि मैंने एक दिन में इससे ज़्यादा लूज़ नहीं करना बिकॉज हम एक सिस्टम बना लेंगे एक प्लान बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे वो ज़्यादा ईजी है इंस्टेड ऑफ के हम अपने इग्रीडेंट फियर को जो इंटरनल हमारे अंदर है ये जो जाएंगे नहीं उनको हम किसी तरह से बीट करें वो नहीं होगा तो एक बिल्कुल बेसिक प्लान बनाओ उसको फॉलो करो तभी वापस ये बात रूटीन्स पर आ जाती है कि बेसिक रूटीन बनाओ उसको फॉलो करते रहो डे इन एंड डे आउट कुछ डिफरेंटली ट्राई करना एक बार जब आपको पता है कि यार ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग ये स्टाइल मुझे सूट कर रहा है तो एक रूटीन में आ जाओ प्लान में आ जाओ उस प्लान को और नहीं तो कुछ अपने सिस्टम पर पे वॉलपेपर लगा के रख दो जिसमें आपके रूल्स लिखे हुए हैं कि यार मेरे दिन के इतने ट्रेड्स होने चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होंगे मेरा मैक्सिमम फाइनेंशियल लॉस दिन में इतना ज़्यादा नहीं होगा तो वो आप अपने सामने रखोगे जहाँ आपको रूल्स दिखेगा तो फॉलो करना ईज़ी हो जाता है बिकॉज इंस्टेड ऑफ़ कि हम अपने इमोशंस को बेसिक इमोशंस को हम किसी तरह को करें कंट्रोल करने की वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पाते हैं उससे अच्छा एक प्लान बनाओ एंड उसे फॉलो करो राइट सो यू मैं स्टॉप लॉस राइट कैन यू एक्सप्लेन टू आर लिस्नर लाइक हाउ टू पुट अर्डर लॉट ऑफ पीपल स्टॉप लॉस इम्पॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें इसको ट्रेडिंग में वो सिखा सकता है राइट तो उसके अंदर सिस्टम्स में आपके प्लेटफॉर्म में भी है तो उसमें भी आप वहीं पर ही सिस्टम में स्टॉप लॉस एड करके उसके बाद ऑर्डर को ले सकते हो ये बेसिकली ज़्यादातर अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो उसमें बेनिफिट होता है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करता हूँ मैं उसे सिस्टम पर नहीं डालता मैं उसको बिकॉज मैं मोस्टली उसमें क्लोजिंग स्टॉप लॉस देख रहा होता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला क्लोजिंग स्टॉप लॉस है बट ये अगर आपको सिस्टम में डालना है तो आप उसके अंदर सिस्टम में वहीं पर डाल सकते हो सो so, आप लास्ट टेन ईयर्स से इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आप हमें स्विंग ट्रेडिंग समझा सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड उसके बेनिफिट्स क्या है राइट तो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली आप एक पूरी मूव नहीं ले रहे आप इस मूव का एक स्विंग पार्ट ले रहे हो तो वो आपके कुछ दिनों से स्टार्ट होकर फ्रॉम फ्यू डेज़ टू फ्यू वीक्स वो आपका लॉन्ग कर सकता है एंड उसके अंदर काफ़ी बारी अब एक पॉइंट मैं आप ऐड करूँगा अब काफ़ी बारी ना हम क्या करते हैं कि स्विंग ट्रेड ले रहे हैं हमें स्टॉप लॉस जब तक फिक्स है वो ठीक है बट काफ़ी बारी हम उसमें टारगेट भी फिक्स करते रहते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है जो मुझे सूट करा है आपके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस फिक्स रखो बट अपना टारगेट फिक्स नहीं रखोगे तो आपके स्विंग ही काफ़ी बारी पोजिशन बन जाते हैं वही लॉन्ग टर्म हो जाते हैं जब तक कि आप अपना इनिशियल स्टॉप लॉस डिफाइन ना करो कि मैं इतने दिन तक रखूंगा इतने परसेंटेज में अपने टारगेट को बुक भी कर लूंगा आपके टार्गेट क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पे बुक करना है अब जैसे टानला का एग्जाम्पल है टानला स्टॉक मैंने ट्विटर पे उसका मैंने चार्ट शेयर किया था लॉकडाउन 2020 में एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं थी बट मैंने सिंपली चार्ट अपना पोस्ट किया था एंड उसमें एक बेसिकली एक पैटर्न होता है हायर टाइम फ्रेम पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट का पैटर्न होता है एंड साथ में उसमें एक आर का स्ट्रेटजी होती है वो मैं देख रहा था उसके अंदर एंड मैंने बेसिकली पोस्ट किया था कि यहाँ से यार ये लग रहा है कि डबल हो सकता है hmm. कोई मैंने टारगेट्स वगैरह कुछ नहीं दिए थे बट आई न्यू केयर यहाँ से अच्छा चल सकता है आई एंटर द ट्रेड एंड उसके बाद वो डबल हुआ तो आई ऑन ट्रेलिंग एंड वो एक बारी भी एग्जिट नहीं दिया उसने उसके बाद वो एक साइडवेज मूव में आया एंड मैं अपनी यहाँ पे गलती बता रहा हूँ कि जब वो उसके बाद अराउंड थ्री टाइम्स हुआ था मैं उससे एग्जिट कर दिया मैंने क्योंकि मैंने सोचा था कि स्विंग है स्विंग के ऊपर वो स्विंग वाला इतना अच्छा मल्टीपैगर बन गया एंड मैंने उसको एग्जिट कर दिया जब वो थ्री के मूव के बाद वो काफ़ी टाइम साइड में चल गया हुँ. उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट आया एंड टेक्निकली उस वो जो एक स्विंग ट्रेड था उसने ट्वेंटी टाइम्स रिटर्न दी विद इन वन एंड हाफ ईयर्स तो अगर टाला का चार्ट देखोगे वो हंड्रेड से टू थाउजेंड गया था वो एंड बस ये मेन है मेरे कहने का रीजन के आप अपने स्टॉपों से डिफाइन रखो बट उसके कहाँ तक जा सकते वो आपको नहीं पता तो कभी भी अपने जो ऑलरेडी भाग रहा है ना जो आपका हॉर्स उसको ना रोको जो ऑलरेडी चल रहा है उसको चलने दो हम हमें प्रॉब्लम यही होती है अब इसको अगर मैं एक सेल्समैन के आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जैसे अगर कोई शॉप पे तीन सेल्समैन है जो फर्स्ट सेल्समैन है वो अगर आपका कोई भी कस्टमर आ रहा है वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है उसको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके दिखा रहा है उनसे उनकी डीलिंग बहुत अच्छी है बेसिकली वो सेल्समैन आपकी शॉप के लिए एक प्रॉपर एसेट है वो उससे सारे कस्टमर्स भी खुश हैं उससे आपका जो शॉप का ओनर है वो भी खुश है एक सेकेंड सेल्समैन का एग्जाम्पल इसमें है सेकेंड सेल्समैन जो है वो न्यूट्रल है वो किसी से रूडली बात नहीं कर रहे हैं बट वो लेज़ी है वो एक साइड में बैठा हुआ है वो किसी को कुछ नहीं दिखा रहा है किसी से बात नहीं कर रहा बस वो बैठा है वो कुछ नहीं कर रहा एंड थर्ड सेल्स मैन है वो बहुत रूडली बात कर रहा है कोई भी आ रहा है वो उसको कुछ शो भी नहीं कर रहा है एंड एकदम कोई अगर कुछ भी बात करे उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं दे पा रहा है एंड लिटरली सबको भगा रहा है वो शॉप से बाहर तो अब जनरल मार्केट में जनरल सिनेरियो में आपके पास अगर अब एम्प्लॉइज़ को आपको किसी एक को फायर करना है तो आप किसको फायर करोगे लास्ट वाले को बट मार्केट में हम क्या करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में अगर तीन स्टॉक्स हैं सपोज तीन स्विंग ट्रेड चल रहे हैं एक स्टॉक आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है रेगुलर प्रॉफिट दे रहा है एक स्टॉक आपका साइडवेज में है उसका स्टॉप लॉस वेट नहीं हो रहा बट वो प्रॉफिट भी नहीं दे रहा वो एक रेंज में चल रहा है एक स्टॉक है वो आपका ऑलरेडी स्टॉप लॉस के नीचे है वो आपको पता है क्या रियल लॉस हमें दे ही रहे हैं हम प्रॉफिट वाले को बुक कर देते हैं पहले एंड लॉस वाले को हम रख लेते हैं यहाँ पे हम ऑपोजिट कर रहे हैं जो जनरल हम मार्केट में करते हैं नॉर्मल हम एन्वायरमेंट में करते हैं हम वहाँ पे सबसे पहले जो लॉस मेकिंग है उसको बाहर निकालते हैं एंड जो प्रॉफिट वाला है उसको तो हम और सैलरी देते हैं ना तो जो प्रॉफिट वाला आपका स्टॉक है उसमें पिरामिडिंग करो उसको और फंड्स दो उसको और मोटिवेट करो क्योंकि ऑलरेडी वो देख रहा है कि ऑलरेडी अच्छा चल रहा है हम उसको पहले ही बाहर निकाल देते हैं यानी कि हम स्टॉक को बुक कर लेते हैं एवरेज वाले को रहने देते हैं एंड जो लॉस कर रहा है उसको हम रखते हैं अपने पास कि यार शायद होप है शायद कल को हो जाए फिर आपने जो स्विंग ट्रेड लिया होता है वो आपका स्टॉप लॉस फिक्स आपने सोच के लिया है फिर है, है। आपका स्विंग लॉन्ग टर्म बन जाता है एंड वो फोर्सफुल लॉन्ग टर्म बन जाता है आपका स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म बनना चाहिए बट जब तक वो प्रॉफिट दे रहा हो जब तक वो अपट्रेंड नहीं हो जब तक उसमें मोमेंटम है जब तक मोमेंटम है तब तक वो लॉन्ग टर्म रखो बहुत अच्छी बात है बिकॉज आपको नहीं पता कितने अच्छे रिटर्न दे सकता है काफी बारी एक मेरे साथ हमेशा से होता है पूरे साल में दो तीन ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो काफी मंथ्स का प्रॉफिट दे जाते एक बार आपको एक अच्छा विनर मिल तो उसको होल्ड करो hmm. फिर अपने आप को कन्फाइन ना करो कि नहीं यार मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है मैं तो बस दो दिन के बाद इससे निकल ही hmm. जाऊँगा वैसे मत करो सो आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉसिज एंड रन

नहीं समझ आएगा उसमें आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा बट अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पूरे चंक को यूज़ करके पूरे पोर्टफोलियो यूज़ करके आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी पोषण साइज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप फिर उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे आप उसको एंटर करोगे एज अ स्विंग ट्रेड बट फिर बिकॉज आपका साइज़ इतना बड़ा हो गया उसके अंदर तो आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहोगे तो आप माइक्रो मैनेज करते रहोगे उसे एंड माइक्रो मैनेज कर करके आप काफ़ी बारी उसको पहले ही कट कर दोगे आप फिर बाद में देखोगे यार इसमें कोई प्रॉफिट बुक का रीजन नहीं था मैंने पता नहीं क्यों बुक कर लिया वो होता है इसलिए क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बड़ी पोजिशन एक ही स्टॉक में बना ली थी इसलिए पोर्टफोलियो पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है उसमें से एक मेजर पार्ट लॉन्ग टर्म के लिए रखो पोर्टफोलियो के लिए रखो उसको वो भी जरूरी है वेल्थ उसी से ही क्रिएट होगी और अपना ट्वेंटी से थर्टी मतलब थर्टी टू थर्टी अपने पोर्टफोलियो का स्विंग के लिए रखो एंड फाइव परसेंट से आप इंटरडे भी करते रहो अगर आपको ये स्टाइल सूट करता है तो तो उसमें क्या होगा कि आपका एक तरफ जो भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं स्विंग में से आ रहे हैं इंटरडे से आ रहे हैं उसको आप लॉन्ग टर्म में पार करते रहो एंड लॉन्ग टर्म में पार करने के लिए जो मैं करता हूँ उसके लिए भी टेक्निकली मैं फॉलो करता हूँ एट्टी मेरा सारा टेक्निकल बेस भी है लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी तो उसमें मैं मंथली वीकली चार्ज फॉलो कर रहा होता हूँ मंथली में अगर कोई स्टॉक अच्छा ट्रेंडिंग है सारे जो एक चेकलिस्ट होती है उसके अगर अबब अब चल रहा है वो अगर मंथली में है एंड वीकली में भी है तो फिर मैं उसके फंडामेंटल्स पर जाऊँगा वही बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स के भी ई क्या चल रहा है उसका बेसिक नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है एंड उसके शेयर होल्डिंग क्या है ओवरऑल प्रोमोटर्स में है भी कि नहीं है सिर्फ रिटेलर्स ही भरे हुए हैं तो ये बेसिक चेकलिस्ट है उसके अंदर और पर बेसिकली जो एट्टी ऑफ द स्टडी है फॉर द लॉन्ग टर्म वो फिर भी टेक्निकल ही रहती है अगर सपोज़ किसी का मुझे मंथली एंड वीकली चार्ट ही नहीं अच्छा लग रहा फंडामेंटली hmm. जितनी मर्जी अच्छी हो मैं उस टाइम उसे नहीं लूंगा hmm. मैं मंथली पे वेट करूंगा वीकली वेट करूंगा ब्रेकआउट्स की क्योंकि जो प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंडामेंटल्स के जो टर्न टर्नराउंड आ रहा है उसमें hmm. वो ले लेते हैं बिकॉज वो उसको लेके के वो उसमें काफी साल बैठ सकते हैं काफ़ी साल वो उसमें नई मूवमेंट आएगी तब भी वो उसे बैठे रहेंगे बट मैं मोमेंटम देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा कॉस्टली ले लूँगा बट मैं उसको कंफर्मेशन ब्रेकआउट पे ही लूँगा hmm. तो टेक्निकली सारा ब्रेकआउट्स पे लेना एंड वो सब सेम है बस हमारा टाइम फ्रेम बढ़ जाता है इसके अंदर एंड मंथली वीकली अप्रोच करके एंड 80 परसेंट उसी का इम्पोर्टेंस दे के सिर्फ ट्वेंटी फंडामेंटल्स को देता हूँ ये भी सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए जब स्विंग वाला आ गया उसमें फंडामेंटल्स को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज उसमें आप प्ले ही थोड़े दिनों के लिए कर रहे हो वो आपका थोड़े दिनों वाला कुछ महीने हफ्ते चल जाए तो बहुत अच्छी बात है बट हाँ उसमें आपको फंडामेंटल्स की नहीं भी देखोगे तब भी चल जाता है तो आपका जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स होता है हाउ डू यू मैनेज दैट ट्रेडिंग से देखो जो पहले सबसे पहले तो जो अपने एक्सपेंसिज है वो निकल गए एंड उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म के अंदर वो पाक होता रहता है एंड इसके साथ साथ अगर आपको अगर कोई बिल्कुल बिघनर है तो उसको मैं एडवाइस करूँगा इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्टॉक्स नहीं भी कर करनी आप ए भी कर सकते हो वो भी ठीक है एटलीस्ट वो बिल्कुल बिघनर है या फिर जो जॉब कर रहा है उसके साथ साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट आ रहे हैं तो उसको ए में पाक करते रहो बिकॉज स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देख पाओ नहीं देख पाओ ए में तो अपने आप मोमेंटम ही चल रहे हैं जो वीक है वो बाहर हो रहा है जो अच्छे स्टॉक्स है वो अपने आप ई में इंक्लूड हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेसिक बेसिक न्यू कमर के लिए या फिर जो जिसका मेन एम ट्रेडिंग में आना नहीं है उसने जॉब करनी है वहाँ से एक पार्क करना है फंड तो उसको एफ भी अच्छा रहता है उसके लिए कैन यू एक्सप्लेन इन वेरी शॉर्ट लाइन मतलब एक्सचेंज फंड्स है जिसके अंदर आपकी बेसिकली जो इंडेक्स है उसी को वो मिरर कर रहा होता है तो इंस्टाइड ऑफ आप

आपके रूटीन लाइफ वहाँ पे ना आ रहे बट अगर आप फिर भी मार्केट से कनेक्टेड रह रहे हो क्योंकि को सोशल मीडिया पे पे वेकेशन आए हुए वे, बीच है, पर सामने लैपटॉप ओपन करके ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड फैमिली वेट कि यार ये फिनिश करेगा तो हम कुछ घूमने जाएंगे तो आप प्रॉपर वेकेशन में आए तो वेकेशन मूड से ही आओ उस टाइम इनफैक्ट मार्केट को क्लोज करके फिर जाओ तो आप एक्चुअल में वेकेशन का जो होता है माइंड फ्रेश करने का जो पर्पज होता है वो तब सॉल्व होगा इन वन वर्ड विन

आई एम अ राइट नो आई एम अ हॉट चॉकलेट पर्सन सो नो टी नो कॉफ़ी टी कॉफी एक्चुअली हमें थैंकफुली हमारे रिलीजन में टी कॉफी स्टार्टिंग से हमें मना करते हैं बिकॉज वो एक तरह से एडिक्शन हो जाती है hmm. तो जितना ज़्यादा एडिक्शन से आप दूर रहो उतना अच्छा है एंड एक और एडिक्शन से एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूँ अब काफ़ी बार हम देखते हैं ना कि हम सोचते हैं कि यार आजकल जो ट्रेडिंग है वो लोग बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए hmm. तो बेसिकली एडिक्शन क्या है कि आजकल हमें जो हम सोशल मीडिया भी देख रहे हैं सब कुछ हम कर रहे हैं अगर आप क्रिकेट देखोगे पहले फिफ्टी ओवर मैचेस थे पहले टेस्ट मैच थे अभी भी हैं बट ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का आई की तरफ, तरफ आ गया है ट्वेंटी ट्वेंटी तरफ आ गया बिकॉज हमें हर कुछ ना क्विक चाहिए हमें आई में एक तरह से एक स्टोरी प्ले हो रही है एंड हम अपने वहाँ पे हीरो को विन करते हुए देखना चाहते हैं सेम हम अपने मार्केट्स में भी देखते हैं फिर हमें जब कोई ट्रेड लिया है तो हमने एक स्टोरी प्ले कर दी है हमने एक हीरो पे प्लेस कर दिया है एंड हम उसको एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द वीक जो भी है हम उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो प्रॉफिट में ही दे एंड वो हम बहुत जल्दी चाहते हैं एंड यही चीज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे आजकल रील्स फॉर्मेट शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट कितना फेमस हो गया एंड hmm. एक फ़नी बात है पर टेन सेकेंड्स की रील है उसमें भी लिखा होता है वेट फॉर इट क्यों तो उन्हें पता है कि लोग yeah. वहाँ पे भी वेट नहीं करेंगे hmm. तो हमारा अब ब्रेन हमारा एक ही है हमारा कोई हम ये नहीं कि हम जब सोशल मीडिया देख रहे हैं शॉर्ट्स देख रहे हैं तब हम कोई और ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं मार्केट में कोई और कर रहे हैं तो अगर आपकी रूटीन लाइफ भी अगर ऐसी रहेगी तो मार्केट में भी आप वैसे एक्सपेक्ट करोगे एंड फिर तभी प्रॉब्लम्स आती है अब इसलिए एक सिंपल सी रूटीन मैं देख अब करता हूँ जैसे अगर मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि उस टाइम कोई पॉडकास्ट नहीं कोई सॉन्ग्स नहीं।, नहीं क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब आप फ़ोन भी नहीं चेक कर सकते एंड आप फोकस से आप सिर्फ अपने थाट्स के साथ आप हो तो ये थोड़ा मेडिटेशन तभी इसमें काम आती है अब आप कोई भी जो भी ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स है इन्वेस्टर्स है वर्ल्ड के पूरे अब उनमें देखोगे थोड़ी बहुत क्वालिटी सबकी से सब सेम है एक तो सब अपने हेल्थ पे पे फोकस करते hmm. पे फोकस करते करते हैं हैं सब मेडिटेशन रीडिंग पे फोकस करते हैं तो ये सब जो आप वही अगेन स्लो बोरिंग जब वहाँ पे आप, आप आ जाओगे तो आपके मार्केट्स में बहुत ज्यादा हेल्प होगी

एंड दैट इज़ विद प्लान जो हमने भी डिस्कस किया था जर्नल बना के प्लानिंग करके अगर आप अपने आप को नहीं कर सकते तो आप देखोगे अब ये चीज़ें हैं जो प्रीवियस हंड्रेड ईयर्स से चलती आ रही हैं अगले हंड्रेड ईयर्स भी सेम ही होगी बिकॉज हम ह्यूमन से हमने ट्रेड करना है तो हमारे इमोशंस को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे वो ट्रेड अच्छा नहीं होगा नहीं। अब किसी ने जैफ बेजाव से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि हंड्रेड ईयर्स डाउन द लाइन अमेजोन क्यों चल रहा होगा फिर भी तो इस सेट के बेसिक जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो चेंज नहीं होगी एक तो है कि उनको डिस्काउंट पे चाहिए प्राइसेस एंड उनको क्विक चाहिए डिलीवरी तो कह रहे जब तक हम ये दो चीज़ों को मेंटेन करेंगे अमेजोन विल कीप ऑन फ्लरिशिंग एंड सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर जब तक हम अपने साइकोलॉजी पर फोकस करेंगे अपने ह्यूमन पार्ट को फोकस करेंगे ट्रेडिंग बहुत अच्छी चलती रहेगी इसी पर हमारा फोकस रहना चाहिए हमेशा Thank you, thank you so much, Harneet, you so for good. you know walking us through your strategies and it's quite insightful. And I'm sure our listeners are going to learn a lot from it. Thank you, thank you so much.